यूडीआईडी कार्ड के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस वीडियो के अंदर लाइव प्रूफ ऑनलाइन अप्लाई करके बताएंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और समझिए, उसके अकॉर्डिंग आप यूआईडी कार्ड बनवाइए, ठीक है। जो भी विकलांग व्यक्ति हैं उनका ये विकलांग सर्टिफिकेट बनता है, जिसको यूडीआईडी कार्ड कहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपने मोबाइल के गूगल के सर्च बार में, या लैपटॉप यूज करें, डेस्कटॉप यूज करें, तो गूगल के सर्च बार में आएंगे, टाइप करेंगे ऑनलाइन स्थित वन भी आपको लिखना है, सर्च करेंगे, जो पहला वेबसाइट आ रहा है इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने जो मेरा ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको राइट साइड में सर्च बार मिलता है, क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको टाइप करना है UDID, इस तरीके से टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, उसके बाद आपके सामने ये वाला पोस्ट आएगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने ऐड आएगा, इसको यहाँ पे बंद करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे बताएगा कि जो भी आप यूआईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसमें क्या क्या आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। तो जो आवेदक होंगे, आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो JPG फॉर्मेट में 5KB से लेकर 100KB के अंदर आप बना के रख लेंगे। इसके अलावा हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर हो जाएगा, अगर सिग्नेचर करते हैं, सिग्नेचर नहीं करते हैं तो अंगूठा का निशान आप दिलवा लेंगे किसी सादे पेज पे, और उसको JPG फॉर्मेट में स्कैन करके 3KB से लेकर 30KB के अंदर बना लेंगे। उसके अलावा मोबाइल नंबर, ब्लड ग्रुप लगना है, उसको ईमेल आईडी हो गया, और एक आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पे लगता है। तो आइडेंटिटी प्रूफ में इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स और एड्रेस प्रूफ में से इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन ही स्कैन करके अपलोड करना है। तो आप बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो इसी पेज पे यहाँ से नीचे आएंगे, अप्लाई ऑनलाइन के नीचे एक लिंक दिया, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर UDID का ऑप्शन है और यहाँ पे भी अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन शो करते हैं, पहला ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो पहला ऑप्शन का मतलब क्या होता है वो पहले समझते हैं। यहाँ पे मैंने कभी भी UDID पोर्टल से किसी अन्य मंच के माध्यम से जारी कोई विकलांग प्रमाण पत्र कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया, यानी अगर आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप पहली बार विकलांग सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। आप कहीं पर भी विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बनवाए थे, उस कंडीशन में पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा उसको आप भरेंगे। अगर दूसरा ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि मेरे पास UDID कार्ड पोर्टल के माध्यम से जारी किया गया विकलांग प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन मेरे पास अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अगर मान लीजिए पहले कभी कहीं और विकलांग सर्टिफिकेट बनवाए थे वो आपके पास है, तो उस कंडीशन में दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करके ये विकलांग सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करेंगे। तीसरा ऑप्शन ये कहता है, आप यहाँ पे देख लीजिए कि मैं विकलांगता प्रमाण पत्र UID कार्ड के लिए आवेदन किया था लेकिन मेरा UID का आवेदन अस्वीकार यानी रिजेक्ट कर दिया गया। अगर मान लीजिए इसी पोर्टल के माध्यम से आप कभी भी मतलब विकलांग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया और वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया, तो उस कंडीशन में आप ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके जो भी आपको एप्लीकेशन नंबर मिला था और जो भी आपको रिजेक्ट हुआ था उसका जो है स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे अपलोड करके सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके आगे का प्रक्रिया करेंगे। चौथा ऑप्शन ये कहता है, आप यहाँ पे देखते हैं, आपको दिखाता हूँ, मैंने विकलांगता प्रमाण पत्र UID कार्ड के लिए प्राप्त कर लिया लेकिन मुझे UID कार्ड की आवश्यकता है, यानी आपने पहले UID कार्ड बनवाया था और आपको विकलांग सर्टिफिकेट मिल भी गया, तो उस कंडीशन में आपका जो विकलांग सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो गया या फिर विकलांग सर्टिफिकेट खो गया, ठीक है, या किस विकलांग सर्टिफिकेट में किसी प्रकार की कोई गलती है। अगर मान लीजिए एक्सपायर हो गया, नया विकलांग सर्टिफिकेट आपको बनवाना है तो पहला ये वाला बॉक्स पे टिक करेंगे। अगर मान लीजिए आपका UID कार्ड खो गया है तो ये वाले बॉक्स पे टिक करेंगे। अगर आपका UID कार्ड में कुछ जानकारी गलत भरा गया तो उसको टिक करके और सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके आगे का फॉर्म भरेंगे। मुझे तो नया UID कार्ड बनवाना है तो उसके लिए पहला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं, अभी ओपन नहीं हुआ है। तो फिर से क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके फिर से इस पेज पे आते हैं और यहाँ पे अप्लाई फॉर UDID पे क्लिक करते हैं, फिर से पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं क्योंकि मुझे नया विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना है। सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ से नीचे आते हैं, लैंग्वेज होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट फुल नेम,
तो जो भी अप्लीकेंट है उसका यहाँ पे फुल नेम डालेंगे जिससे उनके आधार कार्ड में है। जैसे कि मेरा नाम सुजीत है तो सुजीत कुमार मैं यहाँ पे डालता हूँ, तो मैंने सुजीत कुमार यहाँ पे डाल दिया। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे तो सुजीत कुमार का जो ऑटोमेटिक हिंदी है वो यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे देखते हैं सुजीत का हिंदी यहाँ पे नहीं हुआ है। फिर से यहाँ पे क्या करते हैं, नाम को फिर से डिलीट करते हैं और फिर से यहाँ पे नाम टाइप करते हैं SUJIT, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। अभी देखते हैं यहाँ पे आता है या पर नहीं आता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हिंदी में भी आ चुका है। नीचे आते हैं तो अप्लीकेंट के जो भी पिताजी हैं उनका नाम आप यहाँ पे भरेंगे, उस पर अप्लीकेंट के मम्मी का यहाँ पे नाम भरेंगे, अप्लीकेंट का जो मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पे आप भरेंगे, उसको ईमेल आईडी आपको भरना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भरना है। कैसे डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जो भी आपको डेट ऑफ बर्थ का ईयर होगा उससे आप यहाँ पे भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ होगा उससे भरेंगे, जो भी डेट होगा उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपका कैटेगरी क्या है, जेंडर है, EBC है, OBC है, जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जेंडर क्या है, मेल फीमेल, जो भी है यहाँ पे टिक कर लेंगे। उसके बाद ब्लड ग्रुप आपका क्या है, O+, O- A+, A- यानी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है यहाँ पे आपको चूज करना है। उसके बाद रिलेशनशिप विथ पर्सन, जो विकलांग व्यक्ति है उनका रिलेशन क्या है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे फादर सेलेक्ट करता हूँ तो मैं अपने पिताजी का यहाँ पे नाम डालूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा पिताजी का रिलेशन है। अगर कोई मम्मी का नाम डालते हैं, मम्मी का यहाँ पे नाम डालते हैं तो मदर का रिलेशन हो गया। यानी जिनके माता पिता नहीं है वो यहाँ पे दूसरा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, कि अगर जिनका गार्जियन भाई होते हैं, बड़े भाई हैं, तो ब्रदर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, जो भी है गार्जियन उसको सेलेक्ट कर दीजिए, गार्जियन का नाम, गार्जियन का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद फोटो यहाँ पे अपलोड करना है, फोटो का साइज जो भी होगा मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी गैलरी में फोटो है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे फोटो को सेलेक्ट करता हूँ इस तरीके से, ठीक है, फोटो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी सिग्नेचर होगा उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे, इस तरीके से सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। नीचे आते हैं तो पर्सनल इनकम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी इनकम होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यानी जो विकलांग व्यक्ति जिनका आप सर्टिफिकेट बना रहे हैं वो कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, अगर मूर्ख हैं तो आप इलिटरेचर यहाँ पे डाल देंगे, बाकी यहाँ पे प्राइमरी, मिडिल, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी जो भी है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसको यहाँ पे देखते हैं इम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड, यानी बेरोजगार है या फिर रोजगार उनको मिला है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। नीचे आएंगे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में, मैंने आपको बताया यहाँ पे, आप यहाँ पे देखते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का यहाँ पे लिस्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला लिस्ट। तो इसमें से कोई एक प्रूफ डालना है, मैं यहाँ पे डालता हूँ पैन कार्ड, पैन कार्ड यहाँ पे है, आप यहाँ पर देखते हैं पहला ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे पैन कार्ड यहाँ पे डालूंगा। आप यहाँ पर देखते हैं सेलेक्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, पैन कार्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और जो भी आधार नंबर होगा उसको यहाँ पे भरेंगे और अपलोड आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी पैन कार्ड है उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो फिलहाल यह अपलोड नहीं हुआ, फिर से यहाँ पे दूसरा पैन कार्ड अपलोड करते हैं, तो अपलोड हो चुका है। व्यू वाले बटन पे क्लिक करके पैन कार्ड को आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इस तरीके से। उसको फिर से यहाँ पे आते हैं तो आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे इसको टिक करेंगे, ठीक है। नीचे आएंगे एड्रेस प्रूफ में आपको क्या डालना है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, नीचे में आएंगे तो यहाँ से आपको कोई एक डॉक्यूमेंट्स लेना है, तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड ले रहा हूँ, आप यहाँ पे देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आधार कार्ड को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आधार कार्ड जहाँ पर भी है उसको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। आधार कार्ड भी अपलोड हो चुका है, व्यू वाले बटन पे क्लिक करके आधार कार्ड को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से एड्रेस आपको भरना है, तो एड्रेस कैसे भरेंगे, तो आपका एट मतलब गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, पुलिस स्टेशन का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, इस तरह से भरेंगे। नीचे आएंगे अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके यहाँ से नीचे आएंगे तो आपका जो प्रखंड है वो कहाँ है वो सेलेक्ट करेंगे, विलेज अपने गाँव का नाम सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आपके एरिए का पिन कोड क्या है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। नीचे आते हैं तो डिसेबिलिटी टाइप, किस प्रकार का विकलांग है व्यक्ति जिसका विकलांग सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं वो किस तरीके से विकलांग है, तो पहला है ब्लाइंडनेस यानी अंधा है। ये वाला जो आपको इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है इसको आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो आपको यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से नंबर वाइज यहाँ पे पढ़ना है और यहाँ पे मिलाना है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप नीचे ऊपर नहीं नीचे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते डिसेबिलिटी टाइप पहला है, अगर व्यक्ति अंधापन है तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, व्यक्ति को दिखने में दिक्कत है, कम दृष्टि का दोष है तो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर उनको सुनने में दिक्कत है तो तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर मानसिक पक्षपात घात है तो ये वाला 5वां ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इस तरीके से थैलेसीमिया है तो 13 नंबर में जो आता है वो सेलेक्ट करेंगे, इस तरीके से आपको जो भी प्रॉब्लम है इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे।
जैसे कि यहाँ पे कम से कम दो सेलेक्ट करना है, जैसे दो मैंने सेलेक्ट कर दिया, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आप जितना भी सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी ड्यू टू, जो आपका डिसेबिलिटी ड्यू टू, इसका हिंदी अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए डिसेबिलिटी ड्यू टू का ऑप्शन यहाँ पे है। तो एक्सीडेंट के माध्यम से इनको ये प्रॉब्लम हुआ है जो आप यहाँ पे दिए होंगे, या फिर इसका जो प्रॉब्लम है वो जन्मजात है। तो मान लीजिए जन्मजात है तो दूसरा ऑप्शन मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद डिसेबिलिटी बाय बर्थ, मतलब जन्म से ही विकलांग है तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है जन्म से, जन्म के बाद हुआ तो यहाँ पे नो करेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर मान लीजिए जन्म के बाद अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी साइंस कब से है वो ईयर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। बाकी मैं यहाँ पे जन्म से मतलब विकलांग है जो व्यक्ति का बना रहा हूँ तो यहाँ पे यस करते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल फॉर असेसमेंट इशू ऑफ यूआईडी कार्ड, जो विकलांग सर्टिफिकेट बना रही हो कहाँ से किस हॉस्पिटल से इशू किया जाएगा। अगर मान लीजिए वो हॉस्पिटल आपके जिले में है, आप अपने जिले में ही रह रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और अपना जिला का जो भी सदर अस्पताल है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप दूसरे राज्य में रह रहे हैं, अगर आप दूसरे जगह रह रहे हैं तो उस राज्य को आप यहाँ पे पहले सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे यस करते हैं और वो राज्य यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जिस राज्य में अभी आप हैं, और उस राज्य में जो भी डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट में जो भी हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा आपको दिख रहा है इसको आप यहाँ पे जोड़ के लिख देंगे और यहाँ पे टिक करेंगे और सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रीव्यू आएगा। एक बार आप ऊपर से नीचे सभी जानकारी को देख लेंगे, कुछ भी जानकारी में अगर गलती होता है तो आप यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके उस जानकारी को आप एडिट कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है सब कुछ यहाँ पे मैंने सही भरा है तो यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट का बटन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको लिखा आएगा थैंक यू योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर भी आ जाएगा, तो यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट इस पे भी आप क्लिक करेंगे। दोनों पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दोनों ये डाउनलोड हो जाएगा। ओपन करके अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देखते हैं तो इसका जो प्रिंट आउट है वो आप अपने पास करके रख लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर इसने पीडीएफ ओपन हो चुका है, इस तरीके से पहला ये है और दूसरा ये वाला रिसिप्ट जिसको बोलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लगता है क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो स्लो है, तो यहाँ पे वेट करते हैं, क्लोज फायरफॉक्स यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर से यहाँ पे देखते हैं तो अब यहाँ पे रिसिप्ट ओपन हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपन भी हो चुका है। तो दोनों को प्रिंट आउट करके दो दो कॉपी आप रख लीजिए और जहाँ पर भी सदर अस्पताल जो भी आपने दिया होगा ऑनलाइन अप्लाई करते समय उस सदर अस्पताल जाके आप विकलांग सर्टिफिकेट के लिए जहाँ से उच्च करवा के अपना बनवा सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो के रिगार्डिंग कोई सवाल है कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स का लिए कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आओगे तो उसको भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो होगा वो ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे से जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ उसके जो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ।